प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स कार्यक्रम में 23 लोगों को क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड दिया है। साथ ही कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैथिली ठाकुर को दिया है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी जानते हैं कि मैं परीक्षा पे चर्चा आयोजित करता हूं, लेकिन कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ एक सर्कुलर पारित करने से बच्चों का जीवन नहीं बना सकता, बल्कि मुझे उनसे जुड़ना होगा और उनके मुद्दों को जानना होगा। मैं हर साल नियमित रूप से ये कार्यक्रम करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आप सभी स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भली भांति परिचित हैं। मैंने हाल ही में एक रील देखी जहां एक बाघ पानी पीने जा रहा है, लेकिन उसे एक प्लास्टिक की बोतल दिखती है। इसमें बाघ वहां से बोतल उठाता है और कहीं और रखने लगता है। इसका मतलब है कि मोदी किससे बात पूछता है। आप समझ गए ना, मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे बहुत अहम हैं। मुझे अपने देश की प्रतिभा पर भरोसा है। मैं अपने देश के लोगों की संवेदनशीलता की सराहना करता हूँ। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई रचनाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस पर और काम करने की जरूरत है और हो सके तो इसमें स्थानीय भाषा में करना है। प्रधानमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कहा कि आज महाशिवरात्रि भी है और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के रचनाकार माने गए हैं। साथ ही मोदी ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे की भी बधाई दी।